हेलो नमस्ते तपाईँलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ है। अनि तपाईँले ब्याकग्राउन्डबाट देखेर बुझ्नुभयो होला कि हामी चाहिँ यता गान्तोकमा त छैन तर सिलगढीमा आइरहेको छ भनेर। अन्त टाइटल पनि हेरेर बुझ्नुभयो होला कि हामी चाहिँ कहाँ जान आँटेको छ भनेर। सिलगढी चाहिँ को आएको भन्दाखेरि चाहिँ टाइसन म र विजय दा आएको छ, अन्त मम्मी पनि आउनु भएको छ। पहिला पनि हामीले चाहिँ उयो के भन्छ सामान हेरेर चाहिँ अर्डर गरेर चाहिँ लिएको थियो, तर योपालि पनि हामीले अर्डर गरिरहेको छ हो। अनि त्यही चाहिँ हामी रिसिभ गर्नुको लागि गएको, अनि तपाईँलाई ब्लगमा देखाउनेछु। अन्त उहाँले त्यसो भन्नुहुन्छ रेडी भइसकेको छ भन्नुहुन्छ हो, त्यही चाहिँ अब हामीले चाहिँ लिनुको लागि जाँदैछ हो। सेभेन कन्सेप्टमा तपाईँहरूले पहिलाको ब्लगमा पनि देख्नुभएको सेभेन कन्सेप्टमा के थियो भनेर है, दैलोदेखिको लिएर सबै अब त्यहाँ सबै पाउँदो रहेछ मिररहरू सबै। अन्त योपालि पनि हामी त्यही जग्गा जाँदैछ, अनि तपाईँलाई पनि ब्लगमा देखाउनेछौँ है। अन्त तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने तपाईँहरूले पनि बाटो सजिलो हुन्छ नि त। सिभोक रोड होइन हौ, सिभोक रोडमा तपाईँहरूलाई देखाउनेछ नि। अब घाम चाहिँ गान्तोकमा चाहिँ अहिले पनि कोही कोही बेला त चिसो हुन्छ होइन, यहाँ त चिसो हुँदैन। हिजो बेलुका आइपुगेको राति हो, हिजो राति आइपुगेको, हिजो राति त अब शीतलै थियो, अहिले चाहिँ आमा घाम लाग्नु खालि गरम भयो पुरा। बसाउनु बसाउनु मान्छे पायो भने। अन्त हामी चाहिँ भर्खर यहाँ अटो पाइसकेको छ, अन्त जाँदैछौँ। घाम चाहिँ आमा है डन डन गर्मी है भैया, आजको बहुत गर्मी। मम्मीहरू चाहिँ नि न माम खानुहुँदै थियो हो, अन्त के भनौँ भन्छु है, अहिले भरे भन्छु त हो। सेभेन कन्सेप्ट आइपुगिसकिसक्यो हामी, यो बिल्डिङ हो सेभेन कन्सेप्टको। यो चाहिँ एएसजिआई हस्पिटल छ नि यहाँनिर, त्यसको अपोजिटमा यता यसको छेउमा। लु जाउँ हौ, त्यसको छेउमा बाजु पार्किङ सर्किङ टाटामा लोड हुन्छ, अब कहाँ लानुहुँदै होला है, कसले लाँदै होला घरमा कि लोड हुन्छ चाहिँ। अँ ठुलो अलिक टाढा नि घर खुबसुरत बनाउनु लागि चाहिँ यहाँ सेभेन कन्सेप्ट भनिदिएको नि। सेकेन्ड फ्लोरमा हो कि कहाँ हो, अझै माथि हेरेर हेरेर के भन्छ भरिहरू भन्छ नि, नयाँहरूलाई नि त अहिले सबै प्याक भएको छ। यो प्याक भएकोहरूको प्याक भएको त हाम्रो जस्तो लाग्यो। हेलो म्याम, एक हेर न यो कस्तो राम्रो छ है, अस्ति हामीले यही त हेरेको नि। हामीले बेल्कोनी ये बेल्कोनी का आपने थोड़ा अफोर्डेबल लिया था, इसीलिए ऐसा सीलिंग मटेरियल भी था 40 पीस आपका, ये वाला सीलिंग मटेरियल था 10 फुट लंबा। आप फोन के लिए इसलिए मैं रेडी करके रखा है यहाँ पर। आपका गाड़ी आएगा या भेजना है मैम? गाड़ी आएगा, गाड़ी आएगा। ठीक है, तो गाड़ी यहाँ आ जाएगा, नहीं तो मैं दार्जिलिंग मोड़ भेज दूंगा। अभी नया मटेरियल भी बहुत सारा आया, देखते हैं ना और सामान डाल। जैसे पैनलिंग में ये बहुत सारा डिजाइन आया, देखिए पैनलिंग में बहुत सारा नया डिजाइन आया। लास्ट टाइम जब आप आए थे तब ये डिजाइन नहीं था मैम, नहीं था, ग्रे कलर भी आया है, डिसॉल्व कलर भी इंट्रोड्यूस न्यू। मिरर भी है अंदर, ये जैसे टच सेंसर वाला है, ये टच सेंसर वाला है, लाइट ऐसे ऑन हो जाता है, कलर भी चेंज होता है, एंड वॉच आल्सो इनबिल्ट। हां टाइम पनि छ, कलर पनि रिंग लाइट जस्तो छ है, आप ऑर्डर दे दीजिए, साइज आपका साइज से मिल जाएगा। साइज अलिकति सानो हैन, यो त ठूलो हुन्छ नि त, साइज अलिकति सानो हो, सबै साइज यता भइहाल्दो रहेछ, भइहाल्दो बनाइदिइहाल्दो रहेछ। ये मैम रेलिंग रखते हैं हम लोग, सीढ़ी पे जब स्टेयरकेस बनता है रेलिंग होता है ना, लोहा का रेलिंग होता है, कांच का होता है, ये पाइन वुड पे रेडी मटेरियल रहता है,
ये पीछे ग्रुप हो जाता है, यहाँ पर पत्ती लग जाता है, इसमें पॉलिश करना पड़ता है बाद में। इसमें पाइन वुड का भी हमारे पास रेडी है और टीक वुड का भी है। टीक वुड में ये डिजाइन ज्यादा चलता है, सर्कुलर एकदम राउंड, पाइप के जैसे राउंड है, देखिए ये राउंड ऐसा चलता है, फुल राउंड है ये। ये दोनों मटेरियल रेडी है, जितना फुट आप बोलेंगे उतना फुट दे देंगे आपको। मंदिर में राम्रो लागे है, हेर न, मंदिर भी आया है। यस मैम, ये तो ऑर्डर ऑर्डर भी होता है ना भाई, ऑर्डर पर बनाते हैं हम लोग मंदिर, जो भी डिजाइन आप बोलेंगे वो डिजाइन बन जाता है। ये दोनों हमारा ऑर्डर का है, लास्ट मंथ ऑर्डर हुआ था। ये ट्रे हो गया, ट्रे और दिस इज द ड्रॉर, डैमियो ड्रॉर ऐसे खुलता है, इसमें हैंडल लगाना बाकी है अभी। इसके अंदर लाइट है, इसके अंदर आप पूजा का सामान रख लीजिए, बड़ा पूजा का सामान नीचे रख दीजिए, एक सेल्फ भी बना देते हैं। इस ऑल कस्टमाइज, मंदिर सब कस्टमाइज करते हैं। कस्टमाइज बहुत अच्छा है, ये तो नाम लगी वाला दिया, दामी लाग्यो तर यो टक्कै लाइट मजाको छ। स्ट्यान्ड अलोन मिरर भी है, यो चाहिँ लानु पर्छ भने, यो भनेको त यो हो, यो चाहिँ स्ट्यान्ड भी है, कहीं पर भी ले जा करके। हां टक्कै यो स्ट्यान्ड वाला रहेछ नि, यो चाहिँ सजिलो हुन्छ, यो चाहिँ यो चीज कति 6 फुट का भयो, 6 फुट बाई 2.5 फुट, 2.5 फुट 6 फुट बाई 2.5 फुट। डल्ले देख्ने रहेछ नि त यो टक्कै, अब चाहिँ नि डल्ले है, यो मिरर मिरर डाल्ने त। हां हां मिरर डाल्छ, स्लाइडिंग इसमें कलर अवेलेबल है, ब्लैक ब्लैक भी हो सकता है, ब्लैक ग्रे कलर, रेड कलर, वुड कलर, वॉलनट कलर, ब्राउन कलर, टीक कलर, ऑल अवेलेबल है, वैरायटी पूरा रहता है इनके अंदर। लेकिन जो कलर मन पड़ता है ज्यादा चलता है, हां व्हाइट कलर, व्हाइट बिकॉज़ इट गोस विद ऑल द इंटीरियर। इसमें स्लाइडिंग में 4 ट्रैक भी है, ये यहां पर 4 ट्रैक लगा रखा है हमने, दिस इज 4 ट्रैक, 4 ट्रैक मतलब 4 4 पल्ला। ये बालकनी में लगता है, ये लॉकिंग सिस्टम ऐसा है इसका, ये लॉकिंग टेस्ट है, मुनी टॉक के गोंड बने है, साउंड प्रूफ है, साउंड प्रूफ। मच्छर के लिए, मॉस्किटो के लिए है, मॉस्किटो नेट, यू कैन ओपन इट। और इसमें एक फायदा और है, बहुत कस्टमर को दिक्कत होता है कि ग्रिल कहाँ लगाए, इसमें दोनों के बीच में जगह रखा हुआ है, विंडो हो गया, ये आगे का वायरमेंट हो गया, बीच में आप ग्रिल लगा सकते हैं, ग्रिल लगा के भी हम लोग दे देते हैं। ये वुडन फ्लोरिंग भी है हमारे पास, साउंड प्रूफ होता है वुडन फ्लोरिंग, और एकॉस्टिक होता है, साउंड प्रूफ एकॉस्टिक हो गया, और इंसुलेशन भी होता है, मतलब ये गर्म में ठंडा रहेगा और ठंडे में गर्म रहेगा। कलेक्शन ये डोर का डिजाइन नया है अभी, 3D है, वेरी गुड डिजाइन। ये इधर एक और नया डिजाइन है, ये सब डोर क्या है, लाइफ लॉन्ग चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, वारंटी फुल है और थिकनेस भी ज्यादा है। ये सब हम लोग 35mm 40mm तक बना सकते हैं। सर आपने जो दरवाजा दिया है पीवीसी का, उसमें अभी हमने है ना 10-15 डिजाइन नया डाले है, ये नया डिजाइन, आपका डिजाइन तो एवर ग्रोइंग है, एवर ग्रीन है, ऑलवेज चलेगा, ये सब डिजाइन हमने नया डाला है, ये प्रिंटेड है, यूवी कोटिंग है, पानी से खराब नहीं होता, इवन विद सोप वाटर इट डज नॉट डिके, ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। ये सब पीवीसी है, 30mm भी है और 25mm भी है, ये 25mm है, 30mm है, ये पीवीसी है, कभी भी पानी से खराब नहीं होगा। सामान लिना मंजू जी, यहाँ आराम करते हैं, युनिक पोलको चर्चाबाट चर्चा मिररहरू पढ छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है, लानुहोस् सबै है, अर्डर लानुहोस्, तिमीलाई लान्छ ल, मलाई आज म के किनिन्छौ, तिमीलाई के खान्छौ त्यही भन न, तिमी खान्छ के खान्छौ नि, सबै त भुँडीमा अड्दैन नि त, अन्त खानु मन परेको चिज के सक्दैन, सबै त किन सक्दैन, सक्छौ बोल्यो भने ए आउँदैको के खान्छौ भन, अघि चाहिँ मैले चाहिँ भन्दा भन्दै त्यहाँ अटोहरू कहाँनिर गरेर चाहिँ भन्नु पाएन कि मम्मीहरू चाहिँ अलिक ढिलो हुनुभयो नि त, खानाहरू खानु हुँदै थियो, हामी चाहिँ छिटो के भन्छ आइहाल्यो होइन, ऊ र म चाहिँ मम्मी र दादा चाहिँ यता बजारे काम छ अरे उहाँको चाहिँ होइन, त्यही भएर चाहिँ भरेको छु कि बजारमै भेट्नेछौँ नि। हजुर हजुर, शीतल भयो भयो नि, माथि अँ
हामीले चाहिँ नि न तपाईहरु देख्नु पाउँदा गयो भनेर अनि हामीले घर पनि पुर्याइसक्यो है अनि अहिले हामी आइलाको छ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ इनसाइड स्टोरी आइरहेको छ है अनि यहाँ हेरी चाहिँ अन्त नयाँ आयो क्या हो अहिले त सामानहरू डल्लै पजामाहरू नि रहेछ मजा गर्छ भात्र दिवा लगाउनु डल्लै छ बहिनी हजुर सर के भयो ए म त ब्याग पाएँ भने कस्तो मजाको रहेछ तर है क्वालिटी क्वालिटी दामी रहेछ डिजाइन पनि मजाको रहेछ है मजाको लाग्यो डिजाइन डिजाइन राम्रो रहेछ यहाँ जिम गर्दा लाउँछ नि यसो सेट रहेछ त्यो त कलरहरू त मिठो मिठो छ त प्रिमियम छुट्टी तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो तपाईँहरूलाई है अनि तपाईँहरू पनि सजिलो हुन्छ नि आउँछ बुझ्नु नेपाली तिमी त सबै होइन क्युट ब्युटिफुल राम्री यस्तो शीतल कलर है राम्रो रहेछ कलर यो यसको है लाइट यसको मुनिको नि रहेछ है पजामा कलर पनि मिठो रहेछ शीतल देख्दो रहेछ नि त यो कलर पनि दामी रहेछ है यस्तो कलर रहेछ यो कलर रहेछ यो नि प्याटर्नवाला रहेछ है राम्रो रहेछ है गोल्डन रहेछ है टप रहेछ है राम्रो राम्रो आएछ कलेज यो लगाएर बच्चा जाँदैन हुने रह्यो है लामो रहेछ मम्मीलाई चाहिँ यस्तो शीतल हुन्छ नि साइज छ सबै कलर मिठो रहेछ नि भयो त्यस्तो घुम्नु पर्दैन लगाएको हो त्यस्तो त छ नि त घुम्दा घुम्दा एकछिन ए यो रहेछ राम्रो चाहिँ हाफेन होला शीतल हो तर यिनीहरू कपडाहरू त है तिम्रो त रातो खालको छ त एउटा यस्तो खालको क्याप्री क्याप्री अरे कट सेट अरे के सेट 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 ए कट सेट यहाँ क्याप्री
क्याप्री अब क्याप्री भेस भेस भन्नुभयो के क्याप्री भेजेर सुलेर चाहिँ क्याप्री बाफ्रे आफ्नै आफ्नो चाहिँ यो त अब थ्री क्वार्टर प्यान्ट भन्छ नि खासै क्याप्री हेर न त अघि के आयो क्याप्री भन्नु त यो भी क्याप्री यो भी क्याप्री क्याप्री हो क्याप्री भाइ मुझे क्याप्री दे तो भने चाहिँ क्याप्री आयो क्याप्री मतलब ऐसा होता है ना कि किसी किसी को फुल पेन पेन प्रॉब्लम प्रॉब्लम होता है वो क्याप्री में होता है क्या हो कुर्ती वाला नाइट सूट लो खस्ता भाइ अनि यो त उही कुर्ताै सेम छ त अन्त है नाइट सुट के दिउँसो लगाएर घुम्दैन भइहाल्ने रहेछ नि बार्बी पेन कपडा रहेछ शीतल शीतल रहेछ है मजाको है मेटेरियल पनि सफ्ट रहेछ ए लु कहिले यहाँ चाहिँ नि अन्त तपाईँहरूले चाहिँ नि होइन कस्टमाइज पनि पाउन सक्नुहुन्छ नाइट सुटहरू यहाँ हेर्नुहोस् हटी रोहिणी अरे स्यासी स्यासी स्नेहा प्रिटी रायल तर यहाँ पायल लेखिरहेछ कि खासै उसको नाम रायल हो अन्त कस्टमाइज पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ मैले ट्राई गर्दै थिएँ हो अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ के भन्छ मैले एक एक कुरा गरिकन ट्राई गरेको छु हो अनि तपाईँहरू त्यो चाहिँ रिल्स मैले बनाएको छु त्यो चाहिँ तपाईँहरू इन्स्टाग्राममा हेर्न सक्नुहुन्छ रायल गुरुङको इन्स्टाग्राममा है त्यहाँ तपाईँहरूले मजाले देख्न सक्नुहुन्छ अन्त अहिले चाहिँ कस्टमाइज तपाईँलाई नाइट सुटहरू चाहियो भने चाहिँ तपाईँ इनसाइड स्टोरी आउनु सक्नुहुन्छ है यहाँ चाहिँ मैले गरि पनि सकेँ सपिङ थ्याङ्क यू कस्तो क्युट ब्याग है क्युट छ यो ब्याग है इनसाइड स्टोरीको पिङ्क गिभ भाउचर मिलायो जी और आपने 7000 का परचेस किया है उसमें एक सिल्वर कॉइन भी है अब ये सिल्वर कॉइन 7000 देखिन ऊपर से चाहिँ है पाउँदो रहेछ है यो भाउचर थ्याङ्क यू बाई बाई अब चाहिँ यहाँ सपिङहरू पनि सकिसकेको छ है अन्त हामी जाँदैछौँ आज पुरै के गर्दा कसो गर्दा है हो टाइम बिति पनि हाल्यो हो आज एक दिनको लागि मात्रै आएको नि त हामी हिजो आएको अन्त आज पुरै दिन थियो त्यो पनि यहाँ कुद्दा त्यहाँ कुद्दा अब उल्ट फर्किनुपर्छ अन्त त्यही आजको भ्लग पनि यता एन्ड गर्दैछु अन्त तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने आउनुहोस् होला इनसाइड स्टोरी यता प्लानेट मलमा अन्त अर्को चाहिँ 7 कन्सर्टमा तपाईँले देख्नु होला त्यही हो अन्त आजको भ्लग पनि यता एन्ड गर्दैछु बाई बाई नेक्स्ट भ्लगमा भेट्छु